महू विधानसभा क्षेत्र के जनजातीय अंचल चोरल डैम पर श्री कृष्णा जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विशाल दंगल का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर ने कहा है कि आदिवासी जनजातीय क्षेत्र की परंपराओं व रीतियों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक दंगल का आयोजन किया। इसी कड़ी में कुश्ती दंगल में लगभग 300 से ज्यादा कुश्ती लड़ी गई है। इस दंगल में सैकड़ों की संख्या में पहलवानों ने भाग लिया और इस दंगल को देखने हजारों की संख्या में ग्रामीण जन व युवा साथी उपस्थित थे। इस दंगल के पुरस्कार वितरण की मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित थे। आदिवासियों की परंपरा अनुसार मनोज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आदिवासी युवा साथियों ने अपने नेता कैलाश विजयवर्गीय को तीर कमान भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कन्या पूजन किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जब पत्रकारों द्वारा राजनीति पर सवाल पूछा गया तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजनीति से संबंधित सवाल नहीं पूछे। इस मौके पर प्रमुख रूप से भाजपा के वरिष्ठ आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस दंगल की कुश्तियों के निर्णायक के रूप में राजेश पाटीदार, मानसिंह पहलवान, रामपाल छारील मौजूद रहे। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। दंगल में जो इस क्षेत्र में आयोजित होते हैं कहीं भी, वहाँ हर बार सहयोग रहता है, वो हमें हर बार उन आयोजनों के फेवर में करने का प्रयास कर रहे हैं और ये इन्होंने चनिया बांधा है रिक्शा सानिया पहलवान ने और ये चीट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए और डेंजर क्वेश्चन लेके आए पहलवान को, वाह 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 वाह, देखिए तालियां बजाइए दोनों पहलवान भैया। बालक पहलवान जो है, सुनिए बालक पहलवान जी है और मैंने यहाँ देखा कि आदिवासी क्षेत्र के नौजवानों में बड़ी क्षमता है, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते हैं। बाकी उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो फैसिलिटीज़ पहले तो मैंने उपलब्ध कराई थी, अभी मुझे पता नहीं, पर अभी मुझे लोगों ने बोला कि अब और फैसिलिटीज़ यहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है। मनोज बाबू से भी मैं कहूँगा और जहाँ तक हो सके कि इनकी फैसिलिटीज़ भी बढ़ाएं। अंतिम समय में कुश्ती, ये ज़मीनी मजबूती का खेल है, ये जो ज़मीन में मजबूत रहेगा वही खेल पाएगा, हर कोई नहीं खेल पाएगा। और आजकल के जो नौजवान कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर वाले लोग ये खेल नहीं खेल सकते। इस खेल को तो खेलने के लिए कसाला लगता है, कसाला करना पड़ता है तब जाकर ये खेल खेल सकते हैं। रोज़ 2 घंटे की तपस्या करना पड़ती है, अपने आप को गलाना पड़ता है, तब जाकर आदमी मजबूत होता है। और मैं शुभकामना देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में परंपरा कायम है।